नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप आपका स्वागत करता हूं आईटी टेक्निकल गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो किस बेस पे, आज हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको कह दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और नीचे विवरण बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप के लिंक दे दिए, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे मैं क्वेश्चंस पूछता रहता हूं, थ्योरी जीके और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस पूछता रहता हूं। तो चलते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हमारी किस बेस पे, प्रत्यावर्ती धारा पर। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटर, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में आज हम क्या जानेंगे, आज हम अल्टरनेटिंग करंट की टर्म्स एंड डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी शब्दावली और परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो में सबसे पहले हम प्रत्यावर्ती धारा पे जाने से पहले हम जानेंगे कितनी धाराएं होती है। विद्युत धाराएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है विद्युत धाराएं? विद्युत धारा दो प्रकार की, हम जानते हैं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है डीसी और दूसरी होती है एसी। डीसी को हम बोल देते हैं डायरेक्ट करंट और एसी को हम बोल देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट को हम दृष्ट धारा भी बोल देते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दृष्ट धारा। और इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं डीसी की। डीसी यानी दृष्ट धारा की क्या होती है? दृष्ट धारा ऐसी धारा जिसका दिशा कभी परिवर्तित नहीं होती, जिसकी दिशा नियत रहती है, उसे हम डीसी धारा कहते हैं। मान परिवर्तित हो सकता है लेकिन दिशा इसकी परिवर्तित नहीं होती। तो इसकी परिभाषा हम लिखना चाहेंगे डीसी की, क्या बनेगी परिभाषा? ऐसी धारा जिसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती, होती है, उसे दृष्ट धारा कहते हैं। ये हमें डीसी स्रोत से मिलती है। डीसी स्रोत जहां से हमें डीसी मिलती है उसे हम डीसी स्रोत कहते हैं। उसकी ध्रुवता क्या होती है? स्थिर रहती है, इसलिए इसकी दिशा स्थिर रहती है। डीसी स्रोत की ध्रुवता स्थिर रहती है, इसलिए डीसी की दिशा परिवर्तित नहीं होती। ऐसी धारा जिसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती उसे हम डीसी धारा कहते हैं, डायरेक्ट करंट दिशा धारा कहते हैं। ठीक है, इसकी परिवर्तित नहीं होगी। इसके टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार की होती है दृष्ट धारा? दृष्ट धारा होती है तीन प्रकार की, सामान्यतः तीन प्रकार की हम जानते हैं। पहली होती है शुद्ध डीसी, पहली शुद्ध डीसी, शुद्ध दृष्ट धारा। दूसरी होती है परिवर्तनीय दृष्ट धारा, परिवर्तनीय डीसी दृष्ट धारा। ठीक है, परिवर्तनीय यानी वायरिंग भी आप कह सकते हो, वायरिंग डीसी। ठीक है, तीसरी होती है पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, शुद्ध डीसी तो एक सीधी होती है, मान लीजिए कि ये प्लस है ये माइनस है, तो ऐसी जो सीधी दृष्ट धारा, शुद्ध जो सीधी होगी ना बिल्कुल, उसे हम क्या कह देंगे? शुद्ध डीसी कह देंगे। ठीक है, परिवर्तनीय डीसी किस प्रकार होगी? मान लो ये प्लस है ये माइनस है, परिवर्तनीय डीसी इस प्रकार होगी, इस प्रकार परिवर्तित होती रहेगी। ठीक है, वो परिवर्तनीय डीसी होगी, वायरिंग डीसी होगी। इसे शुद्ध डीसी भी कह देते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, शुद्ध डीसी भी कह देते हैं या फिर कॉन्स्टेंट स्थिर डीसी भी कह सकते हैं अपने। और पल्सेटिंग डीसी किस प्रकार होगी?
पल्सेटिंग डीसी इस तरीके से होगी, इस तरीके से जो डीसी प्राप्त होगी उसे हम पल्सेटिंग डीसी कह देते हैं। ठीक है, ये डीसी के प्रकार हो गए। उपयोग कहां करते हैं हम डीसी का, डीसी का उपयोग कहां करते हैं, यूज हम कहां करते हैं दृश्य धारा का, यूज हम करते हैं बैटरी चार्जिंग में। कोई भी जैसे मोबाइल का चार्जर हो वो हमें डीसी देता है, बैटरी चार्ज कर रहा है वो हमारे फोन की बैटरी चार्जिंग में। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है किसी चीज पे पथ चढ़ाना किसी दूसरी चीज की, उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रो प्लेटिंग में हम यूज करते हैं डीसी की। ठीक है, और जैसे कि वाहनों में प्रकाश व्यवस्था के लिए, वाहनों में जैसे कोई भी कार है, जीप है, बस है, उसमें जो लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है वो उसमें लगी बैटरी द्वारा की जाती है, और बैटरी हमें कौन सी देती है, डीसी सप्लाई देती है। तो वाहनों की जो प्रकाश व्यवस्था में भी डीसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दोबारा से अपने एसी करंट पढ़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने को डीसी के बारे में भी जानना पड़ेगा। धारा के टाइप्स मैंने दो बताए हैं, उसके बारे में जानना पड़ेगा हमको। ठीक है, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, बताया मैंने आपको, डीसी और एसी। डीसी मैंने डायरेक्ट करंट, एसी मैंने अल्टरनेटिंग करंट। डीसी दृश्य धारा होती है, जिसकी परिभाषा ऐसी धारा जिसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती उसे हम दृश्य धारा कहते हैं। किसी किसी किताबों में लिखा हुआ है जिसकी दिशा और मान परिवर्तित नहीं होते, वो गलत लिखा हुआ, क्योंकि मान परिवर्तित होता है, हम डायोड के द्वारा जो डीसी बनाते हैं उसमें मान परिवर्तित होता है, इस तरीके की हमें डीसी मिलती है। ठीक है, जिसमें दिशा परिवर्तित नहीं होती उसे हम दृश्य धारा कहते हैं। सामान्यता तीन प्रकार की हम उपयोग करते हैं, सामान्यता तीन प्रकार से हम इसको जान सकते हैं, तीन प्रकार हम जानते हैं, शुद्ध डीसी, परिवर्तनीय डीसी और पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब हम एसी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे डीसी की बात कर ली, अब थोड़ी सी एसी की बात कर लेते हैं, फिर हम इनके मध्य अंतर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डीसी हमने बात कर ली, अब एसी की बात करते हैं, एसी की बात करते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड जो है एसी की बात करते हैं। एसी मीन्स प्रत्यावर्ती धारा। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी इसकी, ऐसी धारा जिसकी जिसका मान और दिशा लगातार परिवर्तित होता रहे उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो परिभाषा यहां पे लिख देता हूं, ऐसी धारा जिसका मान और दिशा, मान और दिशा परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, इस तरीके से होती है। ठीक है, देखा हो तो इस तरीके से परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो इसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्लस ये माइनस। ठीक है, मतलब प्लस में भी चले जाते हैं, माइनस में चले जाते हैं, दिशा परिवर्तित होती है, प्लस में भी जा रहा है, माइनस में जा रहा है, प्लस में भी जा रहा है, माइनस में जा रहा है, इस तरीके से जो धारा होती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसके प्रकारों की बात करें तो प्रकार इसमें होते हैं, साइन वेव होती है इसमें, जय तरंग, साइन वेव, स्क्वेयर वेव। ठीक है, और साइन वेव, स्क्वेयर वेव और एक सॉटूथ वेव होती है, सॉटूथ वेव। ठीक है, इस तरीके से साइन वेव, स्क्वेयर वेव, सॉटूथ वेव। अगर इसको बनाना चाहे तो साइन वेव किस तरीके से बनेगी, ये प्लस है हमारा, ये माइनस है, इस तरीके से ये वेव क्या है हमारी, साइन वेव है। ठीक है, इस तरीके से साइन वेव बनती है। स्क्वेयर वेव की बात करें तो ये प्लस ये माइनस, तो स्क्वेयर वेव किस तरीके से बनेगी हमारी, इस तरीके से, इस तरीके से जो वेव बनेगी वो क्या होगी, स्क्वेयर वेव होगी। ठीक है, सॉटूथ वेव, यानी कि सॉटूथ वेव आरी के दांतों के प्रकार की होती है, किस तरीके से बनेगी, आरी के दांत जिस तरीके से होते हैं, मान लीजिए इस तरीके से बनी, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ऐसे इस तरीके से जो वेव बन जाती है उसे हम सादूत वेव कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः ये तीन चार प्रकार मैंने आपको बताया नॉर्मली याद रखने के लिए। ठीक है, साइन वेव, स्क्वायर वेव, सादूत वेव अलग अलग प्रकार की होती है। उपयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, उपयोग कहाँ करते हैं हम? एसी का उपयोग कहाँ पे करते हैं? एसी अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो आती है एसी। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो आती है एसी। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में हम जो उपयोग करते हैं, हमारे घरों में, उद्योगों में ज्यादातर उपयोग किया जाता है एसी का, क्योंकि इसमें हानि बहुत ज्यादा कम होती है और इससे जो इसके जो भी साधन होते हैं उसका अनुरक्षण की, मेंटेनेंस की कम जरूरत होती है, इसलिए हम एसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एसी भी आपको समझ में आ गया, मध्यवर्ती धारा के बारे में भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ऐसी धारा जिसका मान और दिशा परिवर्तित होता रहता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। प्रकारों की बात करें तो तीन प्रकार, सामान्यतः तीन प्रकार उसके बता देते, तीन प्रकार ही इसके बता देते हैं, साइन, स्क्वेयर और सातुत वेव। ठीक है, साइन इस तरीके से होती है, ठीक है, साइन इस तरीके से बनती है, स्क्वेयर वेव इस तरीके से डब्बे से बन जाते हैं, और सातुत वेव आर्य के दांतों के प्रकार की बन जाती है, लगभग इस प्रकार की बन जाती है। उपयोग कहाँ करते हैं हम? उपयोग इसका करते हैं हमारे घरों में, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था। अब हम आगे अब इनके बारे में इसकी एक तुलना कर लेते हैं एसी और डीसी की। एसी और डीसी की एक तुलना कर देते हैं जिससे कि हमें याद रहेगा। ठीक है, एसी और डीसी अच्छे से याद हो जाएगा, तुलना की होगी तो एसी का भी पता चल जाएगा हमें और डीसी का भी पता चल जाएगा। ठीक है, एक तुलना हम कर लेते हैं एसी और डीसी के बारे में कि एसी, दोबारा से बताऊं, डीसी जिसका मान दिशा स्थिर रहती है उसे हम डीसी कहते हैं, दिशा परिवर्तित नहीं होती, जिसकी दिशा और मान परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम एसी कह देते हैं। ठीक है, तो हम अब तुलना कर देते हैं प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा की एक तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो पहले इसका प्रतीक, एसी का प्रतीक ये होता है, ठीक है, एक साइन वेव होती है और डीसी का प्रतीक एक सीधा डंडा होता है। ठीक है, ये तो प्रतीक की बात होगी। ठीक है, पहली तुलना तो ये होगी, दूसरी तुलना इसकी परिभाषा की होगी। ठीक है, परिभाषा में अगर आपने लेना चाहे, यह एक दिशा में रहती है, यह एक दिशा में रहती है, दिशा में रहती है, इसमें लिखा जाए इसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है, नहीं सॉरी गलती लिख दिया, यह दिशा इसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है, मैंने डीसी वाला एसी में लिख दिया, इसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, इसकी दिशा नियत रहती है, एक ही दिशा रहती है, नियत रहती है, ये सिंबल की बात होगी, और इसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है, उसकी दिशा नियत रहती है। आवर्ती की बात करें तो, आवर्ती की बात करें तो, आवर्ती की बात करें तो हम आवर्ती आवर्ती। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है आवर्ती के बारे में कि डीसी की आवर्ती कितनी होती है। एसी की तो मान लो लगभग जो इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट है वो जानते हैं कि एसी की 50 हर्ट्ज आवर्ती होती है, डीसी की आवर्ती कितनी होती है, यह एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आवर्ती की बात करें तो एसी की आवर्ती जो होती है हमारे भारत की जो है, भारत की 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल प्रति सेकेंड। ठीक है, 50 हर्ट्ज। अमेरिका की है, अमेरिका जो देश है उसकी 60 हर्ट्ज है, हमारी 50 हर्ट्ज है, यानी कि जहां मर्जी जिस मर्जी राज्य में चले जाओ वहां पे आवर्ती कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी। लेकिन डीसी की आवर्ती जो होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि डीसी की आवर्ती कितनी होती है, तो डीसी की आवर्ती होती है शून्य। ठीक है, ये मेरा पूछा भी हुआ शायद ग्रुप में। ठीक है, आगे की बात करें तो
ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा की बात करें तो इसमें ऊर्जा की खपत कम होती है, ऊर्जा की खपत कम। यानी कि मान लो कि अगर आपने इसको कम ज्यादा भी करना है एसी को, तो आप ट्रांसफार्मर की सहायता से कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है, ऊर्जा की खपत ज्यादा। डीसी में अगर आप ऊर्जा को कम ज्यादा करने का प्रयास करोगे तो आपको रोहोस्टेट लगाना पड़ेगा, परिवर्तित प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, उससे ताप के द्वारा ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। यानी कि ज्यादा दूरी तक अगर आपको लेके जाना है डीसी को, मान लो एसी को अगर आपने ज्यादा दूरी तक लेके जाना है, तो इसमें ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा कम होगी। और इसको ज्यादा दूरी तक लेके जाना है तो इसमें ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें कम आपको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा जो कि ऊर्जा की खपत बहुत कम करता है, और इसमें आपको प्रतिरोध लगाना पड़ेगा जो प्रतिरोध ऊर्जा की खपत ज्यादा करता है। कुल विरोध जो होता है उसको हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं, इसमें जो कुल विरोध होता है, इसमें जो कुल विरोध होता है उसे हम कहते हैं इम्पीडेंस। क्या कहते हैं? इम्पीडेंस, जेड द्वारा दर्शाते हैं। इसमें कुल प्रतिरोध, कुल विरोध को हम दर्शाते हैं प्रतिरोध द्वारा, आर द्वारा दर्शाते हैं कुल प्रतिरोध को, ठीक है। पावर फैक्टर की बात करें तो एसी का पावर फैक्टर कितना होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक और, पावर फैक्टर एसी का कितना होता है, ठीक है। तो यह तो हो गया कुल विरोध, अब पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं? पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, ठीक है, पीएफ कितना होता है डीसी का पावर फैक्टर, ठीक है। नहीं पता आपको, हम बता देते हैं पावर फैक्टर एसी का कितना होता है। एसी का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0 से 1, 0 से 1 कितना भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, और 0.1 भी हो सकता है, ठीक है। और जो एसी डीसी का पावर फैक्टर होता है वो होता है इकाई, यानी कि 1 होता है डीसी का, एसी का 0 से 1 और डीसी का इकाई होता है, ठीक है। अब बात करें हम इसके प्रकारों की, प्रकार तो मैं आपको बता ही चुका हूं। प्रकारों के बात करें तो एसी की बात करें तो साइन वेव होती है, इसमें साइन वेव होती है, स्क्वेयर वेव होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, इसमें शुद्ध डीसी होती है और पल्सेटिंग डीसी होती है, दो ही बता रहा हूं मैं, पल्सेटिंग डीसी होती है, ठीक है। ये इसके प्रकार है, ठीक है। और भी बताना चाहें तो प्रत्यावर्ती धारा की जो भी मशीन होगी, जो एसी की जो भी मशीन होगी, उसको मेंटेनेंस की कम जरूरत पड़ेगी, उसकी हमें मेंटेनेंस कम करनी पड़ेगी, उसका हमें अनुरक्षण कम करना पड़ेगा। और डीसी की जो मशीन होगी उसको हमें ज्यादा उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, ज्यादा उसको अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें आई प्रत्यावर्ती और दृश्य धारा की तुलना होगी, ठीक है। तो अब आप एसी और डीसी के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा में, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शब्दावली की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा की तरफ। प्रत्यावर्ती धारा को अगर अपने जानना है कि क्या है प्रत्यावर्ती धारा, तो हमें कुछ नियमों, एक नियम के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा नियम है वो है फैराडे का। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में अगर अपने को जानना है, ठीक है, ज्यादा जानना है, तो हमें प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित विद्युत, फैराडे के नियमों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। फैराडे के विद्युत चुंबक के नियम के बारे में हमें जानना पड़ेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, प्रेरण के नियमों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के बारे में ज्ञान होना चाहिए हमें। ये नियम प्रतिपादित किए थे फैराडे ने, ठीक है, नाम अपना ही दे दिया उसने, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। माइकल फैराडे ने यह नियम प्रतिपादित किए थे, माइकल फैराडे ने कब किए थे, 1831 में इस नियमों के बारे में उन्होंने बताया था। एक आदमी और था उसके साथ, ये नाम याद नहीं आ रहा मुझे, माइकल फैराडे ने 1831 में इस नियमों को प्रतिपादित किया था, उसके बाद उस दूसरे वाले वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जोसेफ हेनरी नाम था उसका, क्या नाम था, जोसेफ हेनरी, जोसेफ हेनरी ने माइकल फैराडे के बाद इस नियमों के बारे में विस्तार से
बताया था। क्या है ये नियम? फ्राइडे की दो नियम है। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम क्या है? यदि किसी बंद चुंबकीय परिपथ में, बंद चुंबकीय परिपथ में परिपथ के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ पैदा होता है, तो एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। यह नियम दिया था उसने, पहला नियम उत्पन्न होता है। यदि कोई बंद परिपथ है, चुंबकीय परिपथ है, यदि उसमें फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन हो तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यह फैराडे का विद्युत चुंबक का प्रथम नियम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम है। ठीक है, किस प्रकार? मान लीजिए कि ये एक चुंबक, दो चुंबकीय ली मैंने, ये एक दो चुंबकीय ली, ये एन है और ये एस है। चुंबकीय बल रेखाएं कहां पे जाएंगी? एन से एस की तरफ जाएंगी। इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं और इसके मध्य स्थिर है ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है ये। और यहां पे मैंने कोई चालक रख दिया, इस तरीके से मैंने कोई चालक रख दिया और उसको मैंने घुमाया, इस तरीके से उसको घुमाया मैंने, बीच में चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख के इस तरीके से मैंने उसको घुमाया, तो इसमें क्या हुआ? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स स्थिर था, इसने आके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना शुरू हो गया। चुंबकीय फ्लक्स, उससे क्या हुआ? इस चालक में जो चुंबकीय फ्लक्स को काट रहा था उसमें क्या हो गया? ईएमएफ उत्पन्न हो गया। तो ये फैराडे का प्रथम नियम था कि यदि चुंबकीय बंद चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये फैराडे का प्रथम नियम था। द्वितीय नियम क्या था फैराडे का? विद्युत चुंबक प्रेरण का द्वितीय नियम, क्या था? द्वितीय नियम था उत्पन्न होने वाला ईएमएफ, ठीक है, उत्पन्न होने वाला ईएमएफ, ठीक है, उत्पन्न होने वाला ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। उत्पन्न होने वाला ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। ठीक है, ये था कि कितना ईएमएफ, मान लीजिए कि यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे मैंने एक दो चुंबक लिए, एक एन लिया और एक एस लिया, तो चुंबकीय बल ऐसे कटेगा और यहां पे मैंने कोई चालक रखा, उसमें क्या हो गया? एक ईएमएफ उत्पन्न हो गया। लेकिन ये कितना ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो किस पे निर्भर करेगा? कितनी चुंबकीय बल रेखाएं इसको काट रही हैं, कि जितने जितनी चुंबकीय फ्लक्स इसमें परिवर्तन इसने किया, जितना चुंबकीय बल इसने चुंबकीय फ्लक्स को जितना परिवर्तित किया उतना ही इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों सूत्रों से बढ़ा सकते हैं कि ई क्या होगा, जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो बराबर क्या होगा? डी फाई क्या हो गया? फ्लक्स हो गया। ठीक है, और डी टी समय होगा कि कितना फ्लक्स परिवर्तित हुआ। मान लीजिए कि जब पहले Q1 था, पहले Q2 था, अब Q1 हो गया, यहां से लेके यहां तक कितना फ्लक्स परिवर्तित हुआ है, समय कितना लगा? पहले 2 सेकंड, मतलब 3 सेकंड में इतना फ्लक्स परिवर्तित हुआ। तो इस दोनों का भाग दे दो कि अपने पास ईएमएफ आ जाएगा, कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, कितना ईएमएफ पैदा हुआ। तो फैराडे के ये दो नियम थे। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ने से पहले ये दो नियम पढ़ने अपने को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ठीक है,
यदि किसी बंद चुंबकीय परिपथ के फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यह पहला नियम था, ठीक है। दूसरा नियम था, उत्पन्न होने वाला ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। जितना फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना ही ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये दो नियम थे। फिर आगे, अब इसके आगे क्या था कि अब ये फ्लक्स परिवर्तन हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वो दो तरीके भी हमें जानने जरूरी होते हैं, ठीक है। अब ये मैं नीचे वाला मिटा रहा हूं, ऊपर वाला एक बार पढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब एक चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए कि ये मैंने दो चुंबक लिए, एन लिए और एस लिया, ठीक है। और पहले हम क्या कर रहे थे कि ये चुंबकीय बल रेखा था और इसके अंदर अपने चालक को घुमा रहे थे, इसको घुमा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से एक साइन बन रहा था कि अगर ये 0 डिग्री पे यहां पे कटा तो यहां पे आ गया, फिर 90 डिग्री पे कटा तो यहां पे आ गया, फिर 180 डिग्री पे कटा तो यहां पे आ गया, फिर 270, फिर 360। इस तरीके से जिस एंगल से कटेगी ये चुंबकीय बल रेखा इसको काटेंगे, उस एंगल से हमें इस तरीके से एक वेव मिल जाएगी और एक ऐसी मिल जाएगी हमें, ठीक है। मान लो कि इस चालक ने चुंबकीय क्षेत्र को 0 डिग्री पे काटा तो 0 आ गया, 90 डिग्री पे काटा तो मैक्सिमम आ गया, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज आ गई, फिर 180 पे काटा तो 0 पे आ गया, फिर 270 पे काटा तो यहाँ पे आ गया, फिर 360 पे काटा तो यहाँ पे आ गया। एक जो साइन वेव हमें प्राप्त होती है वो पूरा 360 डिग्री होता है, पूरा 360 डिग्री का एंगल होता है, मतलब कितना काटा 360 डिग्री। इस तरीके से एक साइन वेव बन जाती है काटने के आधार पर, ठीक है। अब यदि हम देखो, अब एक होता है गतिज प्रेरित ईएमएफ, गतिज प्रेरित ईएमएफ। ये गतिज प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, ठीक है, हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पढ़े, तो ये गतिज प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। गतिज प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, गतिज प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, यदि चुंबकीय, यहां पर मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूंगा, ठीक है, यदि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में, यदि स्थिर चुंबकीय फ्लक्स के क्षेत्र में, चुंबकीय फ्लक्स के क्षेत्र में चालक को घुमाया जाए तो उत्पन्न ईएमएफ गतिज प्रेरित ईएमएफ कहलाता है, तो उत्पन्न ईएमएफ गतिज प्रेरित ईएमएफ कहलाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डीएमआरसी के पेपर में ही पूछा हुआ है, ये लगते हैं बेसिक क्वेश्चन लेकिन जब पूछ लेते हैं तो हमसे आते नहीं। वो उसने सीधा पूछा था गतिज प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, चालक की गति द्वारा जो उत्पन्न होता है उसे हम गतिज प्रेरित कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होना चाहिए और अगर अपने चालक को घुमाए तो हमारा क्या होगा, गतिज प्रेरित ईएमएफ होगा। इसका उपयोग हम किस में करते हैं, जनित्र में, रोटर को घुमाते हैं, जनित्र में जो ईएमएफ जनित होता है वो इस नियम के अनुसार होता है। यदि हम चालक को घुमाए और ईएमएफ जनित हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, गतिज प्रेरित ईएमएफ कहेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। ये हो गया गतिज प्रेरित ईएमएफ, ठीक है। और दूसरा हो गया अपना स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ। अब स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा डायनेमिकल ईएमएफ हो गया, अंग्रेजी में उसको कहते हैं डायनेमिकल ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। अब स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, फैराडे का नियम ही है, यदि कोई स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स। अब क्या होता है स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, ये दो चुंबक लिए हमने, बीच में चालक रख दिया, अब हमें चालक को नहीं घुमाना, अब क्या ये चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा। हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया एसी से, एसी से जब चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेंगे तो वो क्या डिवर्टेड होता रहता है, वो तो परिवर्तनशील होता है, एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उसके कारण क्या होता है, इस चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, स्थैतिक प्रेरित
ईएमएफ परिभाषा लिखना चाहें तो यदि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में यदि परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स में चालक रख दिया जाए, यदि परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स में चालक रख दिया जाए तो चालक रख दिया जाए तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम उत्पन्न हो जाता है जिसे स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ कहते हैं, जिसे स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो, चालक स्थिर रहे, तो ईएमएफ जो प्रेरित होगा वो हम क्या होगा, स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ होगा। ठीक है, इसका उपयोग हम कहां करते हैं, उसका हम ट्रांसफार्मर उसमें उसका हम जनरेटर में करते थे और इसका उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं और यही पूछते हैं, नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमें नहीं होता। पूछ लेंगे ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होता है, स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ दे दिया, वो गतिज प्रेरित ईएमएफ दे दिया, और दो ऑप्शन अपनी तरफ से बना के दे दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते ही नहीं स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, स्टैटिकल इंडक्शन ईएमएफ क्या होता है, हमें नहीं पता, तो हमारा गलत हो जाएगा। यदि परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स में यदि स्थिर चालक रख दिया जाए तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, ये हमारे दोनों नियम समझ में आ गए, फैराडे के नियम समझ में आ गए, गतिज प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, जब हम चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाते हैं तब जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे हम गतिज प्रेरित ईएमएफ कहते हैं, जब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखते हैं तब जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे हम स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे चुंबकीय प्रत्यावर्ती धारा की शब्दावली की। क्या बात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा की शब्दावली की और परिभाषा, शब्दावली और परिभाषा, टर्म्स एंड डेफिनेशंस, परिभाषा। ठीक है, शब्दावली और परिभाषाओं के बारे में हम बात करेंगे। पहली में चक्कर, एक चक्कर क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, इसकी परिभाषा पहले लिख देता हूं। यदि प्रत्यावर्ती राशि के सभी धनात्मक और ऋणात्मक मान रख दिए जाएं, धनात्मक और ऋणात्मक मान रख दिए जाएं तो हमें एक साइकिल प्राप्त होती है, हमें एक साइकिल प्राप्त होती है, हमें एक साइकिल प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए अब इस तरीके से, यदि हमने एक प्रत्यावर्ती राशि के प्लस मान रख दिए, यहां पे ये क्या आ गए, प्लस के मान आ गए, और फिर हमने उसके सभी नेगेटिव मान रख दिए, तो इस तरीके से हमें एक तरंग प्राप्त हो जाएगी। ये तरंग क्या कराती है, हमारी एक साइकिल कराती है, ये पूरा 90 डिग्री का और 360 डिग्री का एक चक्कर प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे चक्कर बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इतना ऊपर वाला एरिया 180 डिग्री का और ये 180 डिग्री का, दोनों क्या हो, 360 डिग्री की एक साइकिल प्राप्त हो जाती है हमें। ठीक है, तो ये हमारी एक साइकिल कहलाती है। ठीक है, ये पहली टर्म्स हो गई और डेफिनेशन बता दी मैंने। अब सेकंड है अवर्त काल, कैसे बोलते हैं अवर्त काल, अंग्रेजी में बोलते हैं पीरियोडिक टाइम, अवर्त काल अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम। ठीक है, तो
इसे हम बताना चाहें तो किस तरीके से बताएंगे, एक पूर्ण चक्कर, एक चक्कर को पूरा करने के लिए जितना समय लगता है, एक चक्कर को पूरा करने के लिए या एक साइकिल को पूरा करने के लिए, एक चक्कर को पूरा करने के लिए, एक चक्कर को पूरा करने के लिए लगा समय अवर्तकाल कहलाता है, अवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर को पूरा करने के लिए लगा समय अवर्तकाल कहलाता है। इसे हम किस तरीके से दर्शाते हैं? इसे हम दर्शाते हैं, पी से दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी बराबर 1/f, इससे दर्शा जितनी फ्रिक्वेंसी होगी, मान लीजिए कि हमारी अब फ्रिक्वेंसी 50 है, तो 50 का भाग लगा देंगे एक में और कितना आ जाएगा हमारा, 0.02 आ जाएगा। जितना समय लिया जाता है एक साइकिल उत्पन्न करने के लिए, उसे हम अवर्तकाल कहते हैं, और इसे ज्ञात करने के लिए हम 1/f लेते हैं, ठीक है, 1/f लेते हैं। अब जैसे कि अगर हम एफ फ्रिक्वेंसी आवर्ती होती है, आवर्ती यदि आपको दे दी जाए, आवर्ती 50 है, तो इसका अवर्तकाल ज्ञात करो, तो 1/f लगा देंगे हम। 1/f लगाने से हमारे पास 0.02 आ जाएगा, 0.002 सेकेंड आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यदि आवर्ती 50 की हो। तो ये दो टर्म्स चक्कर क्या है, ठीक है, यदि प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव मान रख दिए जाए एक प्रत्यवर्ती राशि के, तो जो हमें एक साइकिल, एक इस तरीके की आकृति प्राप्त होती है, वो हमारा एक साइकिल होता है। एक साइकिल में 360 डिग्री के बराबर होता है, एक चक्कर के बराबर होता है, 180 ऊपर और 180 नीचे होता है। पीरियोडिक टाइम अवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर को पूरा करने के लिए जितना समय लगता है उसे हम अवर्तकाल कहते हैं, पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हम 1/f का उपयोग करते हैं, 1/f जितना भी हमें एफ दिया गया, आवर्ती होती है आवर्ती, यदि हमें जितनी भी क्वेश्चन में लिखा होगा इतनी आवर्ती है, यदि 50 आवर्ती दी हो तो 1/50 का भाग ला देंगे, अगर 60 आवर्ती दी हो तो 1/60 का ला देंगे, यदि 100 दिए हो तो 1/100 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास ये साइन टाइम आ जाएगा, 0.02 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों बातें क्लियर है। अब हम तीसरी बात की बात करते हैं, तीसरी चीज क्या है, तीसरी है हमारी आवर्ती, आवर्ती क्या होती है, ठीक है, एक एसी प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती क्या होती है। आवर्ती, आवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, ठीक है, एफ से इसको प्रदर्शित करते हैं। आवर्ती क्या होती है, 1 मिनट में जितनी साइकिल्स उत्पन्न हो सकती हैं उसे हम आवर्ती कहते हैं, ठीक है। प्रति सेकंड उत्पन्न चक्रों की संख्या, प्रति सेकंड उत्पन्न चक्र या साइकिलों की संख्या, जो भी कह सकते, 25 सेकंड उत्पन्न चक्रों, यहां पर ब्रैकेट में साइकिल भी कर देता हूं, प्रति सेकंड उत्पन्न चक्रों की संख्या आवर्ती कहलाती है। प्रति सेकंड उत्पन्न चक्रों की संख्या आवर्ती कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, और बात की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बात की आवर्ती कितनी है, 50 है, 50 हर्टेज, हर्टेज इसकी क्या है, इकाई है, हर्टेज इसकी क्या है, इकाई है। और दूसरी हम इसको कह सकते हैं साइकिल प्रति सेकंड इकाई भी कह सकते हैं, साइकिल प्रति सेकंड भी लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। भारत की आवर्ती कितनी है, 50 साइकिल की है, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में कितनी साइकिल, 50 सेकंड, ऐसे 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 एक साइकिल यहां तक होगी, ऐसी 50 साइकिलें, यानी कि एक साइकिल ये होगी और दूसरी साइकिल यहां तक ये होगी, ऐसी 1 सेकंड में, 1 मिनट में 50 साइकिल की आवर्ती हमारी है, इंडिया की है, ठीक है। ये तीन बातें क्लियर होगी हमारी, कितनी है फ्रिक्वेंसी, 50 हर्ट्ज है, और अमेरिका की 60 हर्ट्ज, अलग अलग देश की अलग अलग होती है, ठीक है। अब हम बात करें चौथे टर्म्स की, तो चौथी हमारी है शिखर से शिखर मान, चौथा है
शिखर मान अंग्रेजी में पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए एक साइकिल बना रहा हूं यहां पे मैं, ये एक साइकिल है हमारी, ठीक है, तो इसका शिखर मान कहां पे होगा, यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, शिखर मान होगी। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, शिखर मान है। तो पहले अपने शिखर टू शिखर नहीं करते, पहले अपने शिखर मान के बारे में जानते हैं। शिखर मान क्या होता है, किसी अवर्त प्रत्यावर्ती धारा की, किसी प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान क्या कहलाता है, हमारा शिखर मान क्या रहता है। कि मान लीजिए कि ये इसका उच्चतम मान है, मान लीजिए कि उच्चतम मान कितना है इसका, 10 है, तो 10 ये कहां पे दर्शाएगा, हमें यहां पे दर्शाएगा, तो ये इसका शिखर मान होगा। किसी परिभाषा लिखो, किसी प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान क्या कहलाता है, उसका शिखर मान क्या रहता है, पीक वैल्यू क्या रहता है, इसे एप्लीट्यूड भी कहा जा सकता है। ठीक है, उच्चतम मान क्या कहलाएगा, हमारा शिखर मान कहलाएगा। ठीक है, तो यह हो गया, कोई भी मान लीजिए कि पॉजिटिव का शिखर मान है ये प्लस 10 होगा, और ये नेगेटिव का शिखर मान है ये तो नेगेटिव में 10 होगा। ठीक है, क्लियर है बात। आवर्ती क्या होती है, जितने प्रति सेकंड उत्पन्न चक्रों की संख्या हम क्या कहलाते हैं, आवर्ती कहलाती है, और शिखर मान क्या कहलाता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो हमारा शिखर मान कहलाएगा। ठीक है, और पांचवी टर्म्स की बात करें, पांचवी टर्म्स कौन सी हमारी, पांचवी टर्म्स की बात करते हैं, पांचवा हमारा शिखर टू शिखर वैल्यू। ठीक है, पीक टू पीक वैल्यू, ये बहुत काम आते हैं, जब बीच में कभी कभार ये क्वेश्चन पूछते हैं ना पेपर वाले, ये शिखर टू शिखर वैल्यू दे देते हैं, और क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो ये पांचवा क्या आ गया हमारा, शिखर से शिखर मान, ब्रैकेट में हम अच्छे लिख सकते हैं, पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। समझा देता हूं इसके बारे में, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। इस तरीके से एक साइन वेव है हमारे पास, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव शिखर मान है, ये इसका नेगेटिव शिखर मान है, ये इसका नेगेटिव शिखर मान है। तो शिखर से शिखर वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए यहां पे 10 है और यहां पे 10 है, तो इन दोनों के मध्य कितनी वैल्यू होगी, ठीक है, इन दोनों के मध्य कितना मान होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, पीक टू पीक वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में अब 10 ये 10 थे, यहां पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो ये 20 क्या हो जाएगी, पीक टू पीक वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी, पीक टू पीक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, दोनों शिखर मानों के मध्य जो होते, दोनों शिखर मानों को मिला दिया जाए तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी, पीक टू पीक वैल्यू होगी। ठीक है, अब अगर बात करें तो अपने छठे की, छठा हमारा क्या, आरएमएस मान, छठा क्या है, आरएमएस मान या प्रभावी मान, छठा क्या है, सिक्स्थ प्रभावी मान, प्रभावी मान। ठीक है, प्रभावी मान को हम कह सकते हैं, प्रभावी मान का दूसरा नाम है आरएमएस मान, रूट मीन्स स्क्वायर मान, इसकी परिभाषा लिखने जाए, परिभाषा एसी का ऐसा मान, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का ऐसा मान, ऐसा मान जो डीसी के समान ही, जो डीसी के समान ही, डीसी के समान ही उष्मा पैदा करे, या डीसी के विशिष्ट मान के अनुसार ही उष्मा पैदा कर दे, तो उसे प्रभावी मान या आरएमएस मान कहते हैं, प्रभावी मान कहते हैं। तो अगर आप उतना डीसी ले, मान लो 5 एम्पीयर एसी ले और 5 एम्पीयर ही डीसी ले, जितनी एम्पीयर 5 एम्पीयर डीसी उत्पन्न कर रही है उष्मा, उतनी ही अगर एसी उत्पन्न कर दे तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रभावी मान कह देते हैं। यह होता है मैक्सिमम मान का, यह शिखर मान का, यह शिखर मान का 0.707 गुना होता है, 0.707 गुना होता है। ठीक है, और इसको यदि मान लीजिए कि हमारे पास 10 एम्पियर
दिया है कि 10 एम्पियर की धारा है इसका, प्रभावी मान ज्ञात करो या आरएमएस मान ज्ञात करो, तो हम 10 को गुणा कर देंगे 0.707 से, ठीक है, 10 इंटू 0.707, तो हमारे पास जो मान आएगा 7.07 एम्पियर, वो हमारा आ जाएगा प्रभावी मान आ जाएगा, ठीक है। प्रभावी मान को ज्ञात करने का एक दूसरा भी नियम है, यदि आप मैक्सिमम वैल्यू को, यदि हम मैक्सिमम वैल्यू यानी शिखर मान को अंडर रूट 2 से गुणा कर भाग दे दें, डिवाइड कर दें अंडर रूट 2 से, मान लीजिए कि हमारे पास 10 एम्पियर मैक्सिमम मान है, यदि हम 1.414 अंडर रूट 2 का मान होता है इससे भाग लें, तो हमें इतना ही प्राप्त होगा, 7.07 ही प्राप्त होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, अगली वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे अब हम समाप्त कर रहे हैं, यहीं से ही अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे, हमारे पास 5-4 अगली वीडियो हम छोटे लाएंगे, 5-4 टर्म्स कंडीशन बची हुई है वो करेंगे, उसके बाद हम परिपथों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद।